तो फिर व्हाट इज एवरीवन, दिस इज हर्षित, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ऐसे कि आपको पता होगा ना, वीडियो देख रहे हो तो मैं एक डार्क रियलिटी सीरीज निकाली अभी तक। मैंने डार्क रियलिटी ऑफ कॉलेज मतलब एमबीए वगैरह एंड डार्क रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड कवर किए और वीडियो आ रही है इस सीरीज में। तो ये वीडियो है डार्क रियलिटी ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। ठीक है, काफी लोग स्टडिंग अब्रॉड सुन के भाई ग्लैमर आ जाते हैं उनके दिमाग में कि यस क्या मजा आएगा, क्या मजेदार लाइफ होगी, फॉरेन कल्चर, इतने लोग ये बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हैं। बट गाइस सबके लिए एक्साइटमेंट सेम लेवल का नहीं फैक्ट है। ठीक है, वीडियो को मैं अगर सिंपली स्टार्ट करता हूँ तो भैया इतना बोलूंगा, जिसके पास रिसोर्सेज है भैया उसे नाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं कि वापस आना है, बिजनेस है, वो सॉर्टेड है। ठीक है, सच कुछ दिक्कत नहीं है, लोन वोन लेके नहीं जा रहे उनके लिए, वो ठीक है, उनके लिए मस्ती है, वो जाके बच्चे दोस्त बन जाते हैं, पैसा वैसा है, फिर साथ में मस्ती पार्टी भी हो रही है, घूम रहे। ठीक है, मैंने देखा है उसमें भी, मेरे फ्रेंड वगैरह काफी है तो मेरे दिखता है वो मस्त चल रहे। बट सबके लिए क्या लाइफ सीन है? नहीं, सबके लिए नहीं है। अब किसी का घर में इतना फाइनेंशियल इतना भी अच्छा नहीं है एंड उनका सेटल होना एम है कि जाके पैसा कमाना है, सेट होना है, पीआर चाहिए, वो उनके लिए टफ है चीजें। ठीक है, बताऊंगा कैसे टफ आगे बता रहा हूँ। बट सिंपल लोन लिया, 40-50 लाख का लोन लेके गया तो उन्हें कवर करना है, तो मेहनत करनी पड़ी जाके, वो पार्टी नहीं कर सकते, टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। एंड सच बताऊं तो मैक्सिमम केसेस यही होते हैं। ठीक है, कि मेजॉरिटी स्टूडेंट लोन वगैरह लेके जा रहे हैं, तो भैया ऐसा सीन है इंडिया में, तो ऐसे ही होता है मेजॉरिटी केसेस। ठीक है, आप कोई भी कंट्री जा रहे हो, बीट यूके, बीट ऑस्ट्रेलिया, बीट आपका कैनेडा, यूएस, ठीक है, तो ये सीन हो गया। तो सबसे पहले पॉइंट बता दो भैया, फर्स्ट थिंग की आपका स्टडी अब्रॉड, आप सोच रहे दिमाग, सबसे पहले आपको बहुत हसल करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पार्ट टाइम जॉब लगानी पड़ती है, आप खर्चे नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपके घर वालों ने जैसे जैसे और पैसे कट्टे किया, फिर लोन लेके भेज दिया, फीस ही 40-50 लाख है, बट आपको अपने रहने का, खाने का, पीने का बहुत खर्च है। ठीक है, इंडिया का तो भैया आपको पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करनी पड़ेगी, वो भी लिमिटेड होता है हर कंट्री का। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कितने घंटे काम कर सकते हो, लिमिट 20 आवर्स पर वीक ऐसा कुछ रूल वगैरह होता है, वो चीजों को दिमाग में रखना है। फिर आपको भैया अपनी पढ़ाई भी करनी होगी साथ में, बहुत मजा। काफी लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ काम करने लगे, पैसे मिल रहे हैं, एक्साइट हो जाते हैं पार्ट टाइम जॉब में, आप किसी पिज्जा हट डोमिनोज काम करो, बहुत पैसा मिल रहा है स्टार्टिंग में, ज्यादा लगता है। ठीक है, बाहर वेजेस पढ़ाई करनी पड़ेगी साथ के, और आपको एक अच्छी जॉब कॉलेज करने के लिए फोकस करना पड़ेगा साथ के, आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है भैया ये कि आपको अपनी फैमिली की याद आएगी, जो फैमिली गैदरिंग्स होंगी, फेस्टिवल्स होंगे, काफी सारे आपको मिस करने पड़ेंगे। ठीक है, आप अगर डॉक्टर लेके जा रहे हो तो भी आप हर बार वापस नहीं आ सकते, दिवाली होली पे फैमिली गैदरिंग शादी वादी वापस के चाह के भी नहीं आ पाओगे बर्थडे बर्थडे पे। तो भैया दैट द थिंग, आपको वो सब मिस करना पड़ेगा, बुरा लगता है, मैंने देखा अपने फ्रेंड्स को। मैं भी अभी जब दुबई शिफ्ट हुआ, अब तक काम आपके लिए पढ़ने नहीं हुआ, तो दुबई शिफ्ट इतना होने तब भी ये चीजें होती है, याद आती है घर वालों की, तो इंडिया में कैसे मस्ती करते थे फ्रेंड्स के साथ, घूमना फिरना ये सब बाहर नहीं होता है। एंड आपको बाहर लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, रियलिटी है। ठीक है, बाहर लोग अपने मतलब इतनी जल्दी इंक्लूड नहीं करेंगे, कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ लोगों को सोशल सर्वे मिलते हैं, कुछ को नहीं मिल पाते, रियलिटी अकेली भी रहना पड़ेगा। तो दैट्स द थिंग गाइस, तो आप जा रहे हो तो अपना माइंड प्रिपेयर करके जाओ, ये सब चीजें जो आपको याद आएगी, रोना भी आएगा कभी कभी, तो मन करेगा वापस जाओ, बट यू हैव टू मतलब उधर काम करना पड़ेगा, लाइफ अच्छी बेटर बनानी है, थोड़े साल आपको निकालने पड़ेंगे। अल्टीमेटली आप काम करने लगे, जॉब लग गई, फिर आप तो फ्रेंड बनेंगे, वो तो हो गई धीरे धीरे, आपकी एक सोशल सर्कल बन जाएगा, बट इनिशियली बहुत टफ होगा। ठीक है, और भैया खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, इंडिया में लोगों को आदत, स्टूडेंट्स को, हमें भी, मेरे को भी आदत नहीं होती खाना बनाने की, कपड़े धोने की, सफाई करने की, बाहर जा रही हो आपको खुद से करना ही पड़ेगा। ठीक है, इवन बाहर जिन लोगों के पैसा होता है वो भी खुद से करते हैं, बाहर ऐसे वर्कर्स वगैरह मिलना टफ रहते हैं एंड बहुत अच्छा पैसा लेते हैं वो भी। ठीक है, आपको अगर खाना बनवाना है, कुक वुक चाहिए या फिर साफ क्लीनिंग करना, बहुत पैसे लेते हैं इनिशियली। और आप स्टूडेंट हो या इनिशियल आप जॉब भी करते हो तब भी आप इतना स्पेंड नहीं कर सकते, आपको खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये सब बेसिक चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, नहीं आती है अगर पहले सीख के जाओ तो। उधर भैया आपको ये सब भी करना है, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, पढ़ाई का भी ध्यान देना है, सब कुछ रहेगा तो बहुत चीजें मैनेज करनी है। घर वाले सपोर्ट नहीं, इंडिया में भी सब नौकर जा कर रहे हैं या फिर घर वाले कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब नहीं रहता बाहर, एंड बहुत हार्श रियलिटी है, एंड बाद में मतलब भी आता है, सब होता है, बट आप सीख जाओ, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज है कि कभी कोई ओवरकम ना कर पाए, धीरे धीरे आपको आदत भी पड़ेगी, धीरे धीरे आप पैसे और कमाने लगे ओवरकम कर जाओगे, फ्यूचर सर्कल बनेगा, बहुत कुछ होगा, आपको कोई पार्टनर मिल जाए, क्या पता तो रिलेशनशिप वगैरह में आ जाए, वो चीजें फिर बेटर होती जाती है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, वीक बाय वीक। फोर्थ थिंग भैया, कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ा हिट करने वाला है, आपका लैंग्वेज अलग होगी। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आपकी हिंदी है मेन लैंग्वेज, काफी जगह हिंदी नहीं होगी, इंग्लिश होगी, चलो इंग्लिश तो कभी ठीक है, बट काफी जगह से फ्रांस यूरोप वगैरह जा रहे हो तो जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, ये सब रहता है, तो आपका लैंग्वेज बैरियर रहेगी, प्लस सबसे बड़ा फूड बैरियर रहेगा, जो इंडियन से इंडियन को इंडियन फूड ही जमता है, ऑब्वियसली हर जगह इंडियन फूड मिल जाता है, बट भैया इतना कुछ क्रेजी नहीं मिलता, प्लस महंगा भी बहुत होता है एंड बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, स्पेशली जो लोग वेज है उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, वेज के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन है,
दुबई आया मैं, जो देखो दुबई तब भी चलो काफी इंडियन पाकिस्तानी है, बट तब भी भाई फूड काफी टेंशन वाला काम है, ठीक है। तो आपको इंडियन फूड अगर मन करे तो वही महंगा भी पड़ेगा, सोचना पड़ेगा 10 बार या खुद बनाओ। तो यार फूड का है, लैंग्वेज बैरियर, कल्चर डिफरेंसेस है, ठीक है। आपका जो कल्चर है क्या मतलब उनका नहीं हो, फेस्टिवल उनके सेम नहीं होते, हमारे दिवाली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए है। तो बहुत सारी चीजें रहती है, आपको कल्चर डिफरेंस भी बहुत सारा फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी भैया प्रेडी रहो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भैया, आपको ऑनेस्टली सिंपल अकेले रहना पड़ेगा, ठीक है। आप बीमार फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ये जो भी डॉक्टर को कुछ भी हो, आपको अकेले ही सफर करना पड़ेगा, ठीक है, उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। घर में तो चलो मम्मा होती है, सब होता है, तो सब सॉर्ट हो जाता है, पर इधर भैया आपको खुद से ही सब कुछ करना है, आप ही अपनी मॉम डैड सब आप खुद के अपने आप ही बनना पड़ेगा। तब तक आप थोड़ा सेट नहीं हो जाते, बाद में चलो फ्रेंड्स बन गए, आपकी शादी हो गई, गर्लफ्रेंड बन गई, तो वो आता लगे। रिलेशनली आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, बीमार हो, अकेले रहो, कुछ भी गुस्सा हो, दर्द है, ये है, दुख है, सब कुछ अकेले। कॉल कर सकते हो बट भैया क्या ही कॉल पे रहोगे, थोड़ी वो भी आप नहीं करते हैं, तो दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। तो हार्श रियलिटी यही है, तो ये सारी चीज आपको फेस करनी पड़ेगी। तो जो एक्साइट हो रहे हैं ये चीज भी याद रखिए, एट द एंड वर्थ इट ओवर, मैं ये कह सकता हूँ। जो लोग अच्छे से निकाल ले टाइम, मेहनत कर ले, वर्थ इट रहती है चीजें, एंड स्पेशली पीपल हुआ कमिंग डिसेंट, मतलब ठीक है, मिडिल क्लास है, उनको बहुत करना पड़ेगा, बट या बाद में वर्थ इट ओवर, एंड आपकी फैमिली को ही ग्रोथ मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, एंड फ्यूचर अच्छा होगा। बट एक सोचा हार्श रियलिटी बता देता हूँ। So, बस गाइस ये चीज यूजफुल इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ। और भी बता दो मैं क्या वीडियोस बनानी है, स्केल रियलिटी को क्या और किसकी बताऊं, या फिर और भी बहुत चीजें आ रही है, एजुकेशन रिलेटेड आती है, प्लीज स्कूल वगैरह रिलेटेड, या फिर कॉलेज स्ट्रेटजी प्रिपरेशन एग्जाम वगैरह क्रैक करने का टिप्स वगैरह, स्किल्स रिलेटेड भी आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है, डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट द ड्रॉप या फिर हमें डीएम कर सकते हो, फॉलो करना, जल्दी। तो बस चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।